All content in this video is purely for informational and educational purpose only. Trading in stock market is a risky business. Consult your financial advisor before investing and trading. Hello traders, welcome to VP Financial YouTube channel. Traders, this video has stock ideas. So without wasting time, let's begin. Aaj ka hamara pehla stock hai Gale Limited. See traders. Firstly, stock ne low lagaya, stock ne high lagaya, ye higher low, ye higher high. Clear uptrend. Point number one, stock uptrend ki tayari kar raha hai aur uptrend ke hi signals hai. Point number two, agar main resistance ko join karta hu, like this. Resistance 1, Resistance 2, Resistance 3, finally hum yahan par dekh sakte hai a breakout. Ye ho gaya aapka point number 2, trade lene ka reason. Point number 3, aap dekh sakte ho, breakout aya hua hai along with volume confirmation. So, ye ho gaya hamara point number 3. Reason number 1, stock ne clear uptrend formation kiya hua hai, higher highs and higher lows. स्टॉक ने अपना मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है अलोंग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन सो एंट्री करेंगे हम ये कैंडल के हाई के ऊपर जो कि है 344 344 के ऊपर एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये कैंडल का लो जो कि है 334 हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं दैट मींस ये इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल नहीं है और टारगेट पहला हम लोग सेट करेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है 359 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट जो कि है 378 and so on stock ne clear uptrend formation diya hai stock ne clear breakout diya hua hai along with volume confirmation all right aaj ka hamara dusra stock hai M&M see traders this is our high ये लो लोवा हाई लोवा लो लोवा हाई लोवा लो क्लियर डाउन ट्रेंड रीजन नंबर 1 स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में है रीजन नंबर 2 अगर हम सपोर्ट्स ज्वाइन करते हैं लाइक दिस सो क्लियर हम देख सकते हैं यहां पर ब्रेकडाउन आया हुआ है ये हो गया आपका रीजन नंबर 2 रीजन नंबर 3 ब्रेकडाउन आया है अलोंग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन ये हो गया आपका रीजन नंबर 3 रीजन नंबर 4 अगर मैं इसके रीसेंट रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हूं लाइक दिस ओके रेजिस्टेंस 1 यहां से गिरावट आया रेजिस्टेंस 2 फिर यहां से गिरावट आया अगेन हम देख सकते हैं यहां पर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस नंबर 3 पे खड़ा हुआ है सो ये हो गया आपका रीजन नंबर 4 एंट्री करेंगे हम ये कैंडल के लो के नीचे जो कि है 643 स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये कैंडल का हाई जो कि है हमारा 662 टारगेट हम सेट करेंगे नीचे बॉटम का जो कि है 615 स्टॉक अपने क्लियर डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन में है स्टॉक ने अपना रीसेंट रेजिस्टेंस रीसेंट सपोर्ट तोड़ा हुआ है स्टॉक अपने रीसेंट रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है अलोंग विद वॉल्यूम कंफर्मेशन एंट्री 643 के नीचे स्टॉप लॉस 662 के ऊपर फर्स्ट टारगेट 615 का आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस
three traders. ये हमारा लो है, ये हाई, हायर लो, हायर हाई. क्लियर अप ट्रेंड. रीजन नंबर वन, स्टॉक क्लियर अप ट्रेंड है. रीजन नंबर टू, अगर मैं रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हूं, लाइक रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, तो यहां पर हम देख सकते हैं इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट. ये हो गया आपका रीजन नंबर दो. रीजन नंबर तीन, ब्रेकआउट आया हुआ है अलोंग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन. यहां पर वॉल्यूम में क्लियर पॉप आया हुआ है, दैट मींस यहां पर बाइंग एक्टिविटी हुई है. सो एंट्री करेंगे हम वीक कैंडल के हाई के ऊपर जो कि है 530. स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये कैंडल का लो जो कि है 525. टारगेट हम सेट करेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि है 535 का. नेक्स्ट टारगेट हम सेट करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि है 538. एक्चुअली दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये रहेगा हमारा जहां से मेजर टर्न आया हुआ है. सो इट विल बी 542. तीन मेजर रीजन ये ट्रेड करने के लिए, स्टॉक ने अपना रीसेंट रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ है, स्टॉक ने क्लियर हायर हाई फॉर्मेशन फॉर्म किया हुआ है, स्टॉक ने क्लियर ब्रेकआउट दिया हुआ है विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन. एंट्री अबव 530, स्टॉप लॉस 525 के नीचे का. फर्स्ट टारगेट 535, 535, नेक्स्ट टारगेट 542. आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंफ्रा. रिलायंस इंफ्रा काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन किया हुआ है इसने. सबसे पहले हम इसमें दो टाइम फ्रेम डिस्कस करने वाले हैं, डेली टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम. पहले डेली टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी लोगों का ये रहता है कि सर हम आप डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करते हो तो हम उसको अप्लाई कैसे करें, हम लोग अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो उस पर आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. सबसे पहले चीज डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं स्टॉक क्या कर रहा है. स्टॉक ने क्लियर लोअर हाई लोअर लोस, लोअर हाई लोअर लोस फॉर्मेशन किया हुआ है. रीजन नंबर वन, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है. रीजन नंबर टू, अगर मैं सब सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं तो आप देख सकते हो क्लियरली इट्स अ ब्रेकडाउन. ये ब्रेकडाउन कैंडल है अलोंग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन. लाइक एंट्री होगी बिलो दिस कैंडल लो, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग यही कैंडल का हाई. टारगेट हम सेट करेंगे फर्स्ट ये वाला टारगेट, लाइक हम लोगों का एंट्री होगा बिलो 120. डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री बता रहा हूं मैं आपको, 120 के नीचे की एंट्री होगी हमारी. स्टॉप लॉस रखेंगे हम यही कैंडल का हाई जो कि 129.45 है, बट हम लोग कंसीडर करेंगे इसको 130. टारगेट हम सेट करेंगे बॉटम का जो कि है 99. ओके okay. अब ये मान के चलिए मैंने आपके साथ डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लिया. अब आज या कल या परसों आपको ये पता चल गया कि इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है और अभी इसने डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है. सो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, जिस पे भी आप ट्रेड करते हो आपको वहां पर जाना है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एज सिंपल एज दैट. अनफॉर्चुनेटली आज ही इसने ब्रेकडाउन दिया है और आज ही हमको छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे अपॉर्चुनिटी है. So, ये एक बार हम लोग एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. 130 के ऊपर हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना है. एंट्री करेंगे 120 के नीचे का. फर्स्ट टारगेट 99 का. ओके मैं ये सब हटा देता हूं. अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे. छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, यहां पर स्टॉक ने हाई लगाया, लो लगाया, लोअर लो, लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, क्लियर डाउन ट्रेंड. ये आपका हो गया रीजन नंबर वन. रीजन नंबर टू, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूँ, ये ग्रीन कैंडल हमको अवॉइड करना है, ये जस्ट ग्लिच है. ओके ये रेड कैंडल तक हम लोगों का क्लोजिंग है. सो यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हो ब्रेक डाउन हुआ है. एंड अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इट्स अ बेरिश फ्लैग पैटर्न. ये इसका पोल हो गया, ये इसका नैरो रेंज हो गया, ये क्लियर ब्रेक डाउन है. एंट्री बिलो दिस कैंडल लो
जो कि है 122 के नीचे, स्टॉप लॉस रखने आपको ये कैंडल का हाई, जो कि है 123.50। टारगेट आपको सेट करना है नीचे का, लाइक आप ये जोन पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपके फर्स्ट टारगेट होगा ये जोन, जो कि है 119। टारगेट वन आपका 119 हो गया, टारगेट टू आपका 112 एज अ नेक्स्ट टारगेट आपका। ओके, इसमें भी तीन सिंपल से रीजन है, स्टॉक ने क्लियर डाउन ट्रेंड फॉर्म किया हुआ है, स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है बेरिश फ्लैग पैटर्न के थ्रू, एंड आप देख सकते हो ब्रेकडाउन आया हुआ है अलॉन्ग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप फाइंड आउट करते हो कि स्टॉक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप उस पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, लाइक इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वो ही ट्रेंड में आप जाके ट्रेड कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसमें आपको एंट्री होगी 122 के नीचे, स्टॉप लॉस रखना हमको 123.50 के ऊपर का, फर्स्ट टारगेट विल बी 119, नेक्स्ट टारगेट विल बी 114। ऑलराइट ट्रेडर, दिस इज इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।